हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काईटेक चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ख्याल रखिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का इस महामारी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि फ़ारेनहाइट वैल्यू जो है इस थर्मोमीटर की, उसे सेल्सियस में कैसे चेंज करें, और अगर सेल्सियस में है आपकी वैल्यू तो उसे फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो है वो इस बटन को जो है वो दोस्तों लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जब तक से हमें F ब्लिंक होते हुए ना दिखे, और F ब्लिंक होने के बाद C जब तक से ना हो जाए तब तक से हमें इसे प्रेस करके रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस बटन को प्रेस करके दिखाते हैं आप सबको कि इसकी वैल्यू जो है वो F से C या C से F कैसे की जाए। तो इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सी में था, एफ में हो चुका है, सेल्सियस में था दोस्तों, वो फ़ारेनहाइट में अभी हो चुका है थर्मोमीटर। और अगर हमें फिर से इसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है दोस्तों, तो फिर से हमें इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। चलिए फिर से हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो लॉन्ग प्रेस करके रखिए, देखिए दोस्तों एफ पे था, वो सी हो चुका है अभी। तो अगर दोस्तों आपको सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में इसकी मेज़रमेंट लेने में अगर दिक्कत हो रही हो, तो आप इसे दिखाए गए मेथड से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको फ़ारेनहाइट में, अगर आपको रीडिंग चाहिए फ़ारेनहाइट में तो आपको फ़ारेनहाइट में मिलेगी, और सेल्सियस में चाहिए तो सेल्सियस में मिलेगी। तो मुझे दोस्तों फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो मैं इसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये सेल्सियस पे था, अभी फ़ारेनहाइट पे हो चुका है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो दोस्तों तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स तुरंत मिल पाए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।